अभी सिविल कोड के हवाले से और ये पर्सनल लॉ के हवाले से जो मसला चल रहा है, एक चीज मैं आपको बता दूं, तीन तलाक तीन ही वाक्य होती है और तीन ही है। ये कुरान का फैसला है, हदीस का फैसला है। अब यहां बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रखिए, कुदरत के बनाए हुए कानून में और इंसान के बनाए हुए कानून में बड़ा फर्क है। इंसान का बनाया हुआ कानून बदल सकता है, कुदरत का नहीं। दलील दे दूं, मेरे रब ने सूरज के लिए कानून बना दिया, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे गुरूब होगा, तो कई सालों की जंत्री दायमी तकवीम बना करके लोगों ने मस्जिद में लटका दिया, इतना कॉन्फिडेंस कि सूरज उतने ही बजे निकलेगा और उतने बजे ही गुरूब होगा। ये किसका बनाया हुआ कानून है? अगर इस कानून के अंदर रद्दो बदल हो जाए तो कयामत आ जाएगी। इसलिए कोई भी कुदरत के बनाए हुए कानून के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे, इसलिए कि ईमान में बनाए हुए कानून 5 साल में बदलते रहते हैं। आज कुछ कानून बना, कल कुछ कानून बना, परसों कुछ कानून बना, आज इसने तोड़ दिया, नई हुकूमत आई तो उसका कानून अलग, उसका कानून अलग। तो मैं एक चीज अर्ज करूंगा कि अपने बनाए हुए कानून तुम तोड़ते हो, तोड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन कुदरत के कानून में छेड़छाड़ मत करो, वरना उसके गजब से बच नहीं सकते। उसके गजब को दावत मत दो, इसलिए कि उसका बनाया हुआ कानून जो है ना, वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, परमानेंट। और जो छेड़छाड़ करता है, हम क्या कहेंगे? हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आप अपनी तबाही को दावत न दें, इसलिए कि कुदरत के कानून में छेड़छाड़ करना ये कुदरत के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। इसलिए कि कुदरत ने जो कानून बनाया, अब आप मुझे बताएं, परेशान होते हो तो उसी कुदरत को पुकारते हो, उससे बड़ा कोई मेहरबान है? ये आपको औरतों पर इतनी मेहरबानी कहां से आ गई कि कुदरत से ज्यादा आप मेहरबान होने लग गए? उसने जो मेहरबान कानून बनाया है तो वो जानता है ना कि औरत के लिए बेहतर क्या है, वो जानता है। इसलिए इन चीजों का ख्याल किया जाए और ऐसी कोई चीज न की जाए जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार पैदा हो और कुदरत के गजब को दावत देने के मुतरादिफ हो। अल्लाह हम सबको और मुसलमानों से मैं कहूंगा कि इस सिलसिले में आप कुदरत की तरफ नजर रखें और उसके कानून ही को फॉलो करना और उसके हबीब के कानून को फॉलो करना, यही हमारी जिंदगी है और इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।